हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली गाइस आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी बढ़िया रहने सो। गाइस यहाँ पे मैं फिर से खेलने वाला हूँ आज सोलो रैंक मैच, और मैं यहाँ पे ब्लू जोन में उतर चुका हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे रिसप्ले मैप दिया था। और दोस्तों आप ड्रोन पे दिखे होंगे कि कितने सारे बंदे उतर रहे थे मेरे पीछे, मतलब ड्रोन पे भी देख रहे होंगे। और मुझे यहाँ पे रिसप्ले मैप में मिल चुका है AK-47 और मिल चुका है एक मिनी लॉन्चर, उसके साथ लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट। और दोस्तों मेरे सामने बंदा है, शायद हाँ बंदा है। दोस्तों पहले उसको मार देते, शायद उसके पास कोई गन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज रहते थे और भाई वो गन बन के मेरे पास आ रहा है, मुक्का मार के ले जा रहे। और नहीं जो ही पीछे से मार दिया हुआ यार, मैं बन गया था यहाँ पे सोनिया, अच्छा हुआ कि मैं उसको मार दिया। और दोस्तों यहाँ पे खत्म है और हेडशॉट के साथ खत्म, मतलब मेरा हो चुका है 2 किल यहाँ पे। दोनों जाके लबी, मतलब फिर से गेम स्टार्ट करो। और दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बंदा, कितने सारे बंदे आ रहा है दोस्तों। नहीं यार मैं यहाँ पे मर गया। और ऑलराइट दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे ब्लू जोन में ही, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतने सारे बंदे तो उतर नहीं होंगे अभी, क्योंकि एक बार मरने के बाद वो बंदे लोग थोड़ा सा साइड में उतर रहे होंगे। सो मुझे यहाँ पे M14 मिल चुका है और स्कार, उसके साथ कुछ लेवल 3 का बैग। और मैं ऊपर जा चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि नीचे रहूँगा तो थोड़ा सा कोई मार लेगा ऐसा सोच के मैं ऊपर चढ़ गया। और एक चीप मिला था, उसको लेवल 2 का बेस्ट कर दिया, मतलब बेस्ट नहीं सोचो दोस्तों, M14 को लेवल 2 कर दिया। और सामने मेरे बंदी है, उसको मारेंगे पहले। भाई मरता नहीं है ऐसे क्यों? और भाई ये खत्म, मतलब लास्ट में एक गोली टॉच हो गया और बंदी खत्म हो गया, इतना कम, मतलब कम एच पी था शायद। और दोस्तों यहाँ पे और बंदा आया, क्या आया, कहाँ से आया पता नहीं, और किसके साथ फाइट कर रहा है। और 44 आया, एक गोली उस पर टॉच हो गया, बस वो खत्म हो गया। और गाइस नीचे चलते हैं, थोड़ा सा लूट फूट कर लेते क्योंकि मेरे पास शॉर्ट रेंज का गन ही नहीं है और थोड़ा सा अच्छा लूट भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल चुका है M14। और हाँ दोस्तों यहाँ पे जिसके साथ फाइट कर रहा था वो बंदा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और पीक नहीं दे रहा है। सो उसको कहते हैं नहीं यार पीक ही नहीं दे रहा है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट कर लूँ क्योंकि वो तो मुझे पीक नहीं दे रहा है या फिर नीचे नहीं आ रहा है, मुझे मारेगा ना कैसे। सो यहाँ पे एक ग्लू वॉल लगा लिया यहाँ पे अंदर का पेड़ में, और मैं यहाँ पे लूट फूट कर लिया दोस्तों, क्योंकि लूटिंग मेरे पास नहीं है, कहने का मतलब है लूट बहुत कम है। सो लूट फूट करके यहाँ पे इसका फुट से बाहर है, शायद वो बंदा नीचे आया होगा और यहाँ पे भाग रहा होगा उस साइड से, वो तो आया नहीं। सो मैं जोन पे यहाँ पे निकल जाना चाहिए, मतलब जोन यहाँ पे ही दिया है, सो थोड़ा सा जोन अंदर को जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मतलब जोन टाइम जैसे ख़त्म होते होते जाएगा, सो जोन उसे छोटा छोटा हो जाएगा और हमको जोन पे जाकर रहना होगा। सो सर्वाइव थोड़ा सा करना ही होगा, यहाँ पे 4 किल तो मेरे हो गए। और दोस्तों थोड़ा सा आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहे होगा तो एक ज़रूर लाइक कर देना और सपोर्ट कर लिया करो गाइस, यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों यहाँ पे बंदा एक उतर रहा था, मतलब कूद गया, सो मैं उसको हेडशॉट दे के ख़त्म कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे फर्ज लाइन ढूंढ लेते पहले, ओके मिल नहीं रहा, ओके मिल गया दोस्तों। सो उसको मैं ले लिया और थोड़ा सा टोकन ले के भी यहाँ से चलते पहले इस लूट, मतलब पेटी के लूट के डायरेक्ट चलते वेंडिंग मशीन में दोस्तों। और वेंडिंग मशीन पे मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे खरीद लेते हैं पहले चीप, क्योंकि M10 को मैं मैक्स वाला करना चाहता हूँ, तो कर लिया। ओके दोस्तों यहाँ पे 4x एक खरीद करके बी वाला, वो क्या बोलते हैं, सुपर मेडिक खरीद के यहाँ पे चलते हैं पहले बंदे को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो एयर ड्रॉप कोई चार्ज कर रहा था, सो उसके पास पहले चल रहे थे दोस्तों। ऑल राइट दोस्तों यहाँ पे बंदा देख चुका है मुझे और मैं उसको मारने के लिए थोड़ा सा फायर तो किया लेकिन वो मरा नहीं। सो यहाँ पे एक लंपर थ्रो कर गया लेकिन फिर से ग्लू वॉल लगा लिया दोस्तों। सो उसका पास थोड़ा सा जालते हैं और ग्रेनेड करते हैं, ओके यहाँ पे 105 का भाई वो क्या, मतलब वो दिया था वो क्या बोलते हैं पेट, नहीं तो वो मर गया होगा शायद, मतलब मर चुका है। तो यहाँ पर डाउन हुआ था, उसको पहले ख़त्म करके हम चलते हैं जोन में दोस्तों, क्योंकि जोन में
चलना जरूरी है। सो साइलेंसर मिल चुका है और उसे अच्छा थोड़ा सा मिला है तो सो चल रहे। पहले दोस्तों मैं जोन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे सामने मेरे बंदे फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे ही बंदा बैठा है। अरे फायर मतलब गोली एक भी उसको टच किया नहीं दोस्तों। और बाप रे मेरा बेस्टिंग गायब कर दिया। ओके दोस्तों पहले उसको ऊपर ग्लू मेल्ट मार लेते हैं मतलब थ्रो कर लेते और उसको फायर करते उसको मारने के लिए ट्राई करते किसके साथ इसका शायद फाइट हो रहा है। हाँ दोस्तों पीछे भी एक बंदा वहाँ पे वो घर में है सो उसका एक उसको एक गली मतलब एक डैमेज पड़ा। ओके ये डैमेज डाउन हुआ था तो मैंने किल चुरा लिया। ओके दोस्तों अभी 10 बंदे बच्चे हैं और पीछे भी एक बंदा है देखा। ओके कोई गाड़ी में आ रहा है उसको पहले मार लेते गाइस। उसके पास वो नहीं है मिलता तो गाड़ी को वो तो डाउन हो गया गाड़ी को फोड़ ले तो किल शायद मिल जाएगा। नहीं यार मिला नहीं वो रिवाइव हो गया दोस्तों तो वो गल लगा लिया वो किल चुरा ना ले बस। देखा मैंने जो सोच रहा था वही हो गया नूबड़ा साला वो किल चुरा लिया दोस्तों। क्या ही बोलूँ ऐसे बंदे को मतलब अभी जैसे गेम हो रहा है मतलब ओके यहाँ पे एक ग्लू पेल मार लेते और भेस्ट लेने के लिए मैं बोल रहा था दोस्तों। जैसे हो रहा है अभी गेम मतलब सोनिया दिमित्री जो हरीज लाइन आया है मतलब गेम ही नहीं है मतलब क्या ही बोल रहा है यहाँ को। छोड़ो दोस्तों हम गेम पे पहले फोकस कर लेते भैया कर लेते। ओके गाड़ी में भाई मुझे तो डरा ही दे दिया था मतलब दो बार डरा दिया था। पहली बार तो वो गाड़ी में आके मुझे कभी फायर किया मुझे पता नहीं चला और दूसरी बार मैं सोनिया बन गया था मुझे मतलब एक सेकंड के लिए अगर रुक गया होता तो मैं मर गया था। तो दोस्तों यहाँ पे पहले लूट करके चलते हैं क्योंकि भेस्ट नहीं है भेस्ट ये भी तोड़ दिया था साला। बंदे लोग कितना मतलब कैसे फायर करते पता नहीं भेस्ट हेलमेट सब तोड़ देते। ओके मैं जोन पे आ चुका हूँ दोस्तों और यहाँ पे फाइट होके बंदा जा रहा है देखो उसको मारते हैं पहले। अरे मरा नहीं कैसे मैं जोन का थोड़ा सा बाहर था सो जोन पे आ गया सो। ओके दोस्तों ये मतलब ओके यहाँ पे नीचे एक बंदा मतलब डाउन होगा शायद खत्म हो गया उसके पास ओरिज लाइन नहीं था या फिर मित्री नहीं था। ओके दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है गेम क्योंकि यहाँ पे घर में हमारा नेट इतना अच्छा पाता नहीं मतलब आता नहीं है सो मैं बाहर खेल रहा हूँ और बारिश हो रहा है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा हूँ दोस्तों 101 का डैमेज मतलब डैमेज पड़ा है बंदा को शायद और डैमेज पड़ जाए बंदा के ऊपर करते थ्रो और एक और थोड़ा सा फास्ट जाकर यहाँ पे एक ही ग्लू लगाया नूबड़ा कितना ग्लू लगाया सारा। अरे भाई बाहर है बंदा यार मैं दिखा नहीं था इधर अभी तक। ओके दोस्तों एक इनहीलर यूज करके थोड़ा सा बाहर जाते हैं उस साइड घूम के जाते हैं उसको मारने के लिए। भुया का इतना पास आया हूँ दोस्तों भुया तक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पे पहले फायर कर लेते हेडशॉट लगे भाई गया मैं गया भुया हाथ से गया एक हेड उसका पड़ा जैसे मुझे भी हेड साइज पड़ा। ओके वो टाइम मुझे दिया है एक और चांस दिया है दोस्तों तो चांस एक बार और अगर मिला है मुझे तो भुया ये ज़रूर करना होगा। ऑलराइट दोस्तों उसके पास M1887 है मतलब दो मुंडा है तो मुझे थोड़ा सा देख के खेलना होगा क्योंकि मेरे पास M10 है वो भी 3 चीप वाला कोई बात नहीं प्रॉब्लम नहीं है आजा मैं मारूँगा। ऑलराइट दोस्तों मेरे पास M10 है उसके पास M1887 होता मतलब दो मुंडा है कौन जीतेगा अभी थोड़ा सा पीक दे भाई तेरा खोपड़ी निकल दूंगा। ऑलराइट गाइस खोपड़ी खोल दिया और मेरा भुया हो गया। ऑलराइट दोस्तों आज का वीडियो इतना ही आप लोग अगर यहाँ तक देखे होंगे आप लोग को दिल से धन्यवाद और चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब करो लाइक कर लो मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए।